हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर नेट। मैं पंकज कुशवाहा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारे जो फ़ोन होते हैं, एंड्रॉयड कीपैड या आईफोन हम लोग यूज़ करते हैं, और उनमें हम अक्सर जो है रिपेयरिंग करते हैं कि पहले देखते थे कि हम लोग एनालॉग माइक जो लग के आता है इस तरीके से, इसको हम लोग चाइना माइक भी बोलते हैं। लेकिन आज के डेट में हम लोग जब भी कुछ जियो का भी फ़ोन अगर उठा के देखते हैं तो उसके अंदर ये डिजिटल माइक लग के आ रहे हैं। तो अब ऐसा क्या हो रहा है कि हमारे जो फ़ोन की टेक्नोलॉजी इस पर कैसे आगे बढ़ रही है? पहले हम क्या करते थे कि इस वाले माइक की जगह दूसरा लगा दिया, या कई बार हमने ये वाला माइक देखा, डिजिटल माइक निकाला और हमने इसकी जगह पे ये वाला माइक लगा दिया। बट आज के डेट में हम इस डिजिटल वाले माइक की जगह ये पिन माइक नहीं लगा पा रहे हैं। ऐसा क्यों है? हम डिजिटल माइक को चेक किस तरीके से करेंगे, इनमें किस किस तरह की जो है लाइनें होती हैं? तो आज अगर आप परफेक्ट तरीके से माइक के टॉपिक को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। ओके, तो समझते हैं कि ये जो माइक है, एनालॉग माइक और डिजिटल माइक, इनमें अंतर क्या है। एनालॉग माइक, ये माइक और ये, इसका पॉजिटिव सिरा, और जब ये कनेक्टेड होता है तो इसके बीच में कुछ कंपोनेंट लगे रहते हैं, कैपेसिटर, कॉइल या रजिस्टर लगा रहता है, और माइनस वी सप्लाई भी क्या रहती है इस पे, ग्राउंड कर दीजिए तब भी चलता है। लेकिन अगर इस पर कंपोनेंट की बात करें तो कंपोनेंट भी कैपेसिटर, कॉइल, रजिस्टर या इसके बीच में डायोड वगैरह जो है लगे रहते हैं। ओके, ये तो हो गया जाके, और इसके बाद ये सप्लाई पहुंचती है आपकी आरडीओ आईसी पे या पावर आईसी पे, या पावर, जिसमें आरडीओ आईसी नहीं उसमें पावर आईसी जो है इसको कंट्रोल करती है। कई बार यहाँ पर हमको कुछ देखने को मिलता है कि हमारे पास जो है जेनर डायोड जो है ग्राउंड के साथ कनेक्टेड रहता है। इस तरीके के कंपोनेंट आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे, जो कि आपका, चाहे वो आपका डिजिटल माइक हो या फिर आपका नॉर्मल एनालॉग माइक हो। अब सिस्टम क्या है कि जब भी हम लोग बोलते हैं, यानी कि हमारे पास जो सिग्नल है वो एनालॉग है जो हम बोलते हैं, अब उस सिग्नल को यहाँ पर से पहुँचने के लिए, इधर से अगर हम उसको देखेंगे तो क्या है कि जब यहाँ से जब वो सिग्नल्स पहुँचता है, यहाँ से फिल्टर हुआ, कॉइल के पास गया, और यहाँ से जाते जाते यहाँ पे आईसी तक जब ये पहुँचता है, ये जो आईसी है, आरडीओ आईसी या पावर आईसी, यहाँ तक जब पहुँचता है तो ये सिग्नल काफ़ी वीक हो जाता है। क्या हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचते क्या हो जाता है कि ये जो सिग्नल्स है ये बहुत वीक हो जाता है, और जो उस साइड जो हमारी आवाज़ है वो स्लो पहुँच पाती है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस पर कई बार हमें एक्स्ट्रा पावर देना पड़ता है ताकि हमारी जो वॉयस उस साइड पहुंच जाए। बट अब क्या हुआ कि जो डिजिटल माइक इस तरीके के आ रहे हैं, उनका सिस्टम क्या है, उनको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। जो डिजिटल माइक है, अब डिजिटल माइक जो है कई तरीके के होते हैं, थोड़ा समझते हैं। इसी में किसी में दो पिनें होती हैं, एक होती है VDD यानी वोल्टेज के लिए, यानी डेटा, वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन और सोर्स, और ये वाली जो इधर का पॉइंट जो रहता है वो ग्राउंड के साथ भी कनेक्ट रहता है। तो इस तरीका का दो पिन का आपको माइक मिलेगा। इसके बाद अगर आपने देखा होगा, अगर आप रिपेयरिंग करते हैं तो आपके पास फोर लेग्स का भी एक इस तरीके से जो है पॉइंट मिलता है। तो बीच का पॉइंट क्या होता है, ग्राउंड होता है, ये भी एक जो है ग्राउंड इनमें होता है, इसमें एक में VDD होता है डेटा, और एक भी और भी इसका GND कोई भी सरा हो सकता है या NC हो सकता है। इस जगह अगर ग्राउंड नहीं है तो NC नॉट कनेक्टेड होगा, और इसके बाद ये रहता है यहाँ पर डेटा या इनपुट आउटपुट डेटा। इस तरह का माइक, यानी कि एक इस तरह का माइक, एक इस तरीके का माइक। लेकिन अब जो प्रेजेंट टाइम में जो फ़ोन के अंदर जो लग के आ रहे हैं उनकी सप्लाइयाँ कुछ अलग हैं। इस पर क्या थी, दो सप्लाइयाँ हैं, और इसके अंदर भी दो सप्लाइयाँ हैं, VDD और डेटा, ग्राउंड तो ऑलरेडी सभी में रहते ही है। इसके बाद अब जो प्रेजेंट टाइम में जो हमारा जो डिजिटल माइक लग के आ रहा है तो किस तरीके से है, उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पांच पॉइंट, ये वाला तो ऑलरेडी क्या है, ग्राउंड है, और इसके बाद एक ये जो यहाँ पे ग्राउंड है, इसमें एक जो लाइन बढ़ जाती है, VDD तो ऑलरेडी है, डेटा भी है, और एक लाइन इस पे बढ़ जाती है CLK, यानी कि क्लॉक सिग्नल, यानी कि क्लॉक सिग्नल, यानी कि अभी तक हमने जो माइक देखे थे डिजिटल, उसके अंदर VDD और डेटा की सप्लाई आती थी, और यहाँ पर क्लॉक सिग्नल है, VDD है, डेटा है, क्लॉक है, ग्राउंड, यानी कि यहाँ पर तीन सप्लाइयाँ हमारे पास में जो अब जो नए माइक यहाँ पर हमको देखने को मिल रहे हैं, वहाँ पर तीन सप्लाइयाँ आ रही हैं। समझ रहे हैं पहले बात को? तो अक्सर जब हम क्या करते थे कि जब हम जो पुराने जो फ़ोन आते थे उनके अंदर क्या करते थे, हम इस डिजिटल माइक को निकाल के हम ये वाला माइक लगा सकते थे। तो उसके लिए किस तरीके से लगाते थे उसको पहले समझते हैं कि अगर हमें उसको टेस्टिंग भी करनी है, अगर हम इसको पहले चेक करते थे कि माइक हमारा सही है कि नहीं है, तो इसकी टेस्टिंग तो ऑलरेडी आपको पता ही है कि एक प्रॉप कहाँ पर लगाएंगे, GND यानी ग्राउंड पे, यानी इस पर भी आपको वैल्यू मिलेगी और इस पॉइंट पर भी आपको वैल्यू मिलेगी, VDD और डेटा। तो VDD डेटा के बीच में क्या करते थे हम,
अगर हमको टू पिन माइक लगाना, तो इसके बीच में हम एक रजिस्टर लगा देते थे दोनों लाइनों के बीच में, 2.4 किलो ओम का, इस तरीके से 4 ओम किलो ओम तक का आप रजिस्टर लगा देते थे, और डेटा की साइड से हम लोग सप्लाई दे देते थे प्लस की, और ये वाला ऑलरेडी माइनस की सप्लाई। तो इस तरीके से ये हमारा काम बन जाता था। ऐसे इस वाले में कर देते थे, इसके बीच में हम लोग वीडीडी और डेटा के बीच में क्या लगा देते थे, एक रजिस्टर लगा देते थे। ओके, अब ये पॉइंट हमने ऊपर नीचे कर दिए, तो कोई दिक्कत वाली इसके अंदर बात नहीं है। तो हम इसको ग्राउंड, ये NC है, और इसको हम लोग बना देते हैं डेटा, और ये GND। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये NC। तो इसके बीच में हमने क्या लगा दिया, रजिस्टर लगा दिया, और डेटा की साइड से हमने क्या किया, प्लस दे दिया माइक को। ये वाला जैसे माइक है ऑलरेडी, इसके अंदर का प्लस है, तो प्लस सप्लाई हमने इसके अंदर से दे दी। ओके, और इसके बीच में रजिस्टर लगा, और माइनस सप्लाई हमने यहाँ से उठा के इसके जोड़ दिए। तो ये हमारा जो माइक है वो काम करने लगता था। बट अब जब ये सिस्टम यहाँ पर बना कि ये CLK वाली लाइन, समझिए पहले कि फिर से समझ लेते हैं। अब क्या है, अब इसका, इसकी वर्किंग समझिए। ये तो ग्राउंड है, यादर भी हम लोग GND ग्राउंड का बता देते हैं, VDD डेटा, CLK क्लॉक। अब क्या है कि अब हम जब भी इस पर कुछ बोलते हैं, तो जो इनकी लाइनें हैं इन पर कुछ कंपोनेंट लगे रहते हैं, डेटा के पॉइंट पे कोई सप्लाइयाँ आ जाती हैं, कुछ कंपोनेंट लगे रहते हैं, कैपेसिटर, डायोड, रजिस्टर, कॉइल, और क्लॉक की लाइन पर भी कैपेसिटर, रजिस्टर या कॉइल, इस तरीके से सप्लाइयाँ लगी होती हैं, और आगे कहाँ पे पहुँचती हैं, आगे ये पहुँचती हैं इनकी RDO IC या फिर Power IC में। RDO IC पे अब क्या हो रहा है, इसकी वर्किंग क्या है, देखिए ये जो क्रिस्टल, जो माइक है, इस पर अगर हम जब बोलते हैं डायरेक्टली, जब हम बात करते हैं, तो हमारा जो क्लॉक सिग्नल है जो हम बोल रहे हैं, इसको तुरंत ही यहीं से यहीं पर क्या कर देता है, वो डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। तो कन्वर्ट कर देता है, तो ये लाइन डिजिटल सिग्नल के सपोर्टेड से ऐसे कर दे, मतलब कि हमारे जो सिग्नल हम लोग बोल रहे हैं उसमें कोई भी कमी नहीं आए और वो पहुँच गई IC तक। जबकि एनालॉग वाले माइक में क्या हो रहा था कि हमारा जो वॉयस था, हम जो बोल रहे थे, वो यहाँ से लेके IC तक जब तक पहुँचता था तो वो वीक हो जाता था। इसलिए फ़ोन के अंदर अब क्या आ रहा है कि डिजिटल माइक लगे हुए आ रहे हैं। अब इस वाले माइक में आप अगर चाहते हो कि हम 2 पिन का माइक लगाएं, तो आप नहीं लगा सकते, क्योंकि VD डेटा के बीच में आप, तो आप रजिस्टर आप लगा देंगे, बट CLK लाइन कहाँ से लाएंगे, कहाँ से आप 2 पिन माइक पर आप जोड़ेंगे। तो इस वजह से जो है, जो आज की डेट में जो डिजिटल माइक आ रहा है जिनमें क्लॉक की लाइन होती है, उन पे आप 2 पिन माइक नहीं लगा पाते हैं। ओके, थोड़ा और बढ़ते हैं आगे, इसको देखते हैं, थोड़ा समझते हैं। डिजिटल सिग्नल, डिजिटल सिग्नल को डायरेक्ट RDO IC में भेजता है। इस माइक में 3 सप्लाई होती है, एक VDD जो कि माइक को एक्टिवेट करने के लिए होती है, दूसरी सप्लाई डेटा सप्लाई को वॉइस सिग्नल में RDO तक पहुंचाने का काम करती है, और तीसरी सप्लाई क्लॉक यानी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने के लिए की जाती है। अब टेस्टिंग इसकी क्या है, किस तरीके से आप इसको चेक करेंगे, तो सीधी सी बात है, VDD, डेटा और CLK, यानी कि 3 पॉइंटों पर आपको वैल्यू मिलेगी। पहले जो हम लोग चेक करते थे इससे पहले वाला, तो इनमें क्या होता था, डेटा और VDD पे रीडिंग्स आती थी। यहाँ पर क्या है कि आपको CLK, डेटा और VDD, इन तीनों पॉइंटों पे रीडिंग्स आएंगी, तो आपका माइक सही होता है। तो इस तरीके से हम लोग माइक की वर्किंग देखते हैं। और ऐसे कोई भी माइक है, सर्किट देखो, मैंने आपको दिखाया यहाँ पे रजिस्टर, कैपेसिटर, और ये सप्लाइयाँ कहाँ पे पहुँचती हैं, सीधा की सीधा IC पे पहुँचती हैं। तो ये तो नॉर्मल कंपोनेंट आपको देखने को मिलेंगे। अब माइक, जैसे हम लोग, बहुत से लोग बोलते हैं कि सर माइक की सर्किट, जैसे सर्किट में कुछ है नहीं वैसे। ओके, सिर्फ कॉन्सेप्ट को अगर आप सही से अगर फॉलो करेंगे तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती है भाई। सिंपल सी एक ये कीपैड फ़ोन है सैमसंग का, उसके लिए यहाँ पे सर्किट है, कोई एंड्रॉयड भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये प्लस पॉइंट है भाई, ये माइनस वाले को हमने क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया, हमें इसको कोई टेंशन नहीं, इसकी लाइन ट्रेस करने की जरूरत नहीं है। तो प्लस की लाइन है L300 लगी, L300 कहाँ पे है, नीचे के ये इधर लगी L300। ओके, तो ये तो प्लस की सप्लाई यहाँ पर आ गई। इसके बाद क्या लगी, कैपेसिटर 307 हमारा यहाँ पर लगा है, तो इसमें कहाँ पे लगा है, 307 ये लगा है। तो कैपेसिटर के बाद L307 एक पॉइंट को छोड़ के, यानी कि इसके बाद सप्लाई पहुँचेगी आपके इस पे, यानी कि इस वाले पॉइंट पे। इसके बाद इसी में लगा एक JD,
300 ऊपर, तो JD 300 ये देखो यहाँ पे लग रहा होगा कि ये कैपेसिटर की तरह है, बल्कि हल्का सा ग्रीन है, देखने में वैसे लग रहा है बट कन्फ्यूजन है, ये जिनर डायोड लगा है। यहाँ पे सप्लाई आ गई, इसके बाद आगे सप्लाई बढ़ती 308, तो 308 कहाँ पे लगा, जस्ट बगल में इसकी सप्लाई ये पहुँच गई, प्लस सप्लाई है ये, ओके इस माइक की प्लस 308। इसके बाद सप्लाई कहाँ पे पहुँचती है, सी 303, 303 कहाँ, जस्ट ऊपर 303 यहाँ पर पहुँच गई, ओके और 303 लगा सीरीज में, और इसके बाद सप्लाई आगे निकल रही आर 307, ये सप्लाई कौन, तो आर 307 ये 303, 303 के बाद 301, 301 लगा हुआ है, तो 301 जस्ट ऊपर 301 लगा, ओके। इसके बाद एक रजिस्टर दिया आर 307 यहाँ पर दिया गया, जो कि दोनों के बीच में, और आर 307 यहाँ पर दिया गया जो कि खाली है, यानी कि ये टिप्स जो दिया गया है ये है माइक का प्लस, तो यानी कि यहाँ से सप्लाई होते हुए इस कैपेसिटर से, यहाँ से ये कैपेसिटर इस डायोड से, और होते हुए इस कॉइल से, और इस पॉइंट पर पहुँच गई जाके। तो ये ट्रेसिंग क्या है कि ना, कि यहाँ पे समझाने में थोड़ा प्रॉब्लम रहती है, अगर आपको इनको प्रॉपर तरीके से सीखना है तो फिर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी सीट बुक करा लीजिएगा, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और ये इस चीज़ों को अच्छे तरीके से सीख सकते हैं, क्योंकि टाइम मिलता नहीं, सारी क्लासेस रहती हैं, वैसे भी मेरे वीडियो ऑलरेडी बहुत ही टाइम के बाद ये शूट हो रहा है, और ये आज शायद अपलोड होगा, ये नहीं होगा मुझे पता नहीं, ओके। तो माइक का एक वीडियो कैसा लगा, कि एनालॉग माइक और डिजिटल माइक में क्या अंतर है, क्या डिफरेंट है, क्या चीज़ें होती है, अगर इसको चेक करना है तो इसको आप ओम रेंज पे चेक कर सकते हो, 20 किलो ओम पे। कई बार सारे वीडियो में बताया है कि 0.90 से 1.50 की रेटिंग्स आती थी, ये वाला माइक सही होता है, ये वाला माइक हम लोग बजर मोड पे सेट करते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, थैंक यू वेरी मच। टॉपिक रिमूव करनी है, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर नेट, मैं पंकज कुशवाहा। तो आज का टॉपिक है कि जब भी हम कोई भी फ़ोन ऑन करते हैं तो हमारा वो फ़ोन किस तरीके से ऑन होता है और किस तरीके से वर्क करता है, और स्टेप बाय स्टेप आज हम लोग ये भी जानेंगे कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें खराब होती हैं और क्या चीज़ किस स्टेज पे जो है काम नहीं होता है, ओके। तो ये मैंने पूरी एक सर्किट बनाई है कि जो आपका फ़ोन जब आप पावर वाली बटन दबाते हैं तो किस तरीके से फ़ोन के अंदर फंक्शन काम करते हैं, ओके, और फंक्शन काम करने की वजह से क्या एरर आती है और उस एरर को सीपीयू क्या करता है, डिस्प्ले पे आपको शो करता है, या कई बार फ़ोन जो है वो ऑन नहीं होता है, तो क्या क्या उसके रिस्पॉन्सिबल पार्ट होंगे, जैसे मैंने यहाँ पे आगे वाली स्लाइड पे है। तो पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं कि किस तरीके से आपका एक मोबाइल जो है ऑन होता है, क्योंकि जब भी हम फ़ोन के अंदर पावर स्विच, यानी एक नंबर यहाँ पर आप देख रहे हैं, जब भी हम इस पर पावर स्विच वाली बटन दबाते हैं फ़ोन के अंदर, चाहे आपका एंड्रॉयड हो या फिर कीपैड फ़ोन हो, उसको अगर जब हम दबाते हैं तो क्या होता है, तो सबसे पहले क्या होता है, बैटरी से जो वोल्टेज होता है प्लस माइनस की सप्लाई क्या होता है, वो पावर आईसी के अंदर सप्लाइयाँ आती हैं। अब पावर आईसी क्या करती है, उस चीज़ को वो सप्लाई क्या करती है, किसको भेज देती है, सीपीयू को। तो इसके बीच में कई सारी बग कॉइलें भी इसमें आपको देखने को मिलेंगी, और कई सारे एलडीओज जो कि इसी को सप्लाई में इसी में रिवर्स करती हैं, इसी से आउट होंगी, और इसी को कई सारे सेक्शन को इनेबल करने के लिए आईसियाँ जो है यहाँ से वोल्टेज दिए जाते हैं अलग अलग सेक्शन के लिए। बट जब हमने पावर स्विच दबाया तो बैटरी से वोल्टेज आया, कहाँ पे, पावर आईसी से, पावर आईसी ने वोल्टेज किसको दिया, सीपीयू को, सीपीयू को वोल्टेज इतना मिल गया कि वो आगे अपना काम कर सके, तो चार नंबर पे हमारा सीपीयू हो गया, सीपीयू काम कर रहा है, और इसके बाद क्या करेगा, सीपीयू यहां से तुरंत एक सप्लाई जो है इसको भेजेगा किसको, आरएफआईसी या डब्ल्यूटीआर, जो अब जो फोन आ रहे हैं उनमें डब्ल्यूटीआर लग के आ रही, क्वालकॉम में किसी में आरएफआईसी लग के आती है, तो ये आरएफआईसी क्या करती है, पांच नंबर पे यहां पर ये क्या है, एक वीसीओ लगा होता है, वोल्टेज कंट्रोलर ऑसिलेटर या क्रिस्टल बोलते हैं, क्रिस्टल क्या करता है, यहाँ से 26 मेगाहर्ट्ज क्लॉक सिग्नल की फ्रिक्वेंसी को जनरेट करता है। जब 26 मेगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी जब जनरेट होती है, उसके बाद ये आज जो नेटवर्क आईसी है आपकी WTR या RFIC, हम यहाँ पे नेटवर्क लिख देते हैं, नेटवर्क आईसी, ये क्या करती है, फ्रिक्वेंसी को हाफ कर देती, आधा कर देती, और आधा करने की 13 मेगाहर्ट्ज की जो फ्रिक्वेंसी है वो कहाँ पे आती है, सीपीयू पे, ये क्लॉक सिग्नल। अब जब ये लो फ्रिक्वेंसी है ये क्या करती है, तो ये 13 मेगाहर्ट्ज की जो हाफ फ्रिक्वेंसी हुई है ये सीपीयू का क्या करती है कि अदर जो भी कंपोनेंट है, अदर भी जो भी मोबाइल के अंदर पार्ट लगे हैं उनसे इंटरफेस, ITC प्रोटोकॉल इसको हम कह सकते हैं या इंटरफेस कह सकते हैं उसको, यानी कि कौन सा जो है पार्ट
इनेबल है या नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम्स है, तो वो क्या करता है सीपीयू को कंट्रोलिंग करने के लिए ये 13 मेगाहर्ट्ज़ की जो लो फ्रिक्वेंसी है वो सीपीयू को मिल जाती है। अब इसके बाद क्या करता है सीपीयू, क्या करता है एक बूटिंग टेस्ट पास करता है। क्या पास करता है? बूटिंग टेस्ट, 7 नंबर पे है। या बूटिंग टेस्ट यानी कि जितने भी पार्ट्स हैं, इतने भी पार्ट्स हैं वो सारे पार्ट्स सही हैं कि नहीं है, उनमें के अंदर कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है। अगर प्रॉब्लम्स अगर है बूटिंग के टाइम पे तो उस प्रॉब्लम को सीपीयू वहाँ पे आपको स्क्रीन पे शो कर देगा। अगर नहीं शो कर पा रहा है तो अगर ऑन तो अगर नहीं शो कर पा रहा है तो यानी कि फ़ोन आपका डेड है। कहीं ना कहीं किस तरीके से हमें पहले क्या क्या चीज़ें चेक करनी है वो हम आगे सीखेंगे। तो यहाँ पर समझ लेते हैं इसकी वर्किंग। सीपीयू को हम लोग मास्टर भी कहते हैं या होस्ट भी कहते हैं, ओके। तो ये क्या करता है बूटिंग टेस्ट करता है कि सारी जो लाइनें हैं वो सब कुछ सही है। तो क्या करता है सीपीयू यहाँ से एक पावर आईसी को एक सिग्नल और भेजता है कि भाई जितनी भी डिवाइस हैं सभी को वोल्टेज आप जो है दे दीजिएगा, जिसको हम लोग कहते हैं पीएस होल्ड। एक सिग्नल होता है जो सीपीयू के पावर आईसी को देता है ताकि क्या करता है कि सारी सप्लाइयाँ जो है सही तरीके से वर्क करें। और अब क्या करता है फ़ोन, ये जो आपकी ईएमएमसी ऐसी है या यूएफएस ऐसी है, मेमोरी ऐसी है, डेटा ऐसी, ये क्या करती है इसके अंदर जो डेटा पड़ा है वो जो आपका लोगो है या स्टार्टअप है वो क्या करने लगता है खींच के आपके डिस्प्ले को भी वो क्या कर देता है सीपीयू ऑन कर देता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि एक पूरा फ़ोन ये ऑन होता है जब पावर वाली बटन दबाते हो। ये जो सिस्टम है ये बहुत जल्द, यानी कि आपको हमने बताने में तो बहुत टाइम लगा किस तरीके से पावर दबाएंगे, किस किस सेक्शन से जो है काम करेगा, बट ये बहुत ही सेकेंडों का काम होता है। और ये इस तरीके से आपका फ़ोन जैसे ऑन करते हैं तैसे ही लोगों पे कंपनी का लोगो उसके आगे बढ़ने लगता है। तो इस तरीके से एक फ़ोन जो है ऑन होता है, चाहे वो एंड्रॉयड हो चाहे फिर वो कीपैड हो। अब इसमें क्या है कि कई जगह पे क्या होता है कि अब जो नए फ़ोन आ रहे हैं तो उनमें एक बैटरी के बाद पावर आईसी, और कई बार क्या होता है कि चार्जिंग आईसी जो कि पावर आईसी से कनेक्टेड होती है, इससे वीपीएच की लाइन निकलती है। तो ये वीपीएच भी अब जो नए फ़ोनों में है वीपीएच की लाइन इस पर अगर नहीं पहुंचेगी या वोल्टेज नहीं बनेगी, क्योंकि वीपीएच मैंने इसका मतलब होता है वोल्टेज फ़ोन पावर, यानी कि पूरे फ़ोन को जो पावर दिया जाता है वो वीपीएच लाइन कहलाती है। तो इस टाइम के जो फ़ोन आ रहे हैं उनके अंदर वीपीएच यानी कि चार्जिंग आईसी भी रिस्पॉन्सिबल है होती है जो है अगर आपका फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है। तो ये मैंने देखा कि किस तरीके से फ़ोन एक ऑन होता है। अब आगे देखते हैं कि अगर आपका फोन डेड है तो क्या क्या चीजें आपको चेक करनी रहेंगी स्टेप बाय स्टेप। तो बैटरी सबसे पहला काम आपको बैटरी, इसके बाद बैटरी का जैक कनेक्टेड है कि नहीं है, सॉर्टिंग है कि नहीं, आपको सॉर्टिंग रिमूव करनी है। पावर स्विच यानी ऑन ऑफ वाला बटन वो आपका सही है, मदरबोर्ड में प्रॉपरली कनेक्ट है कि नहीं है, ओके, उस पर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये पावर स्विच आप चेक करेंगे। इसके बाद आप चार्जिंग आईसी चेक करेंगे। चार्जिंग आईसी से आप क्या चेक करेंगे कि भाई वीपीएच की जो सप्लाई है वो आउट हो रही कि नहीं हो रही है, ये आप चेक करेंगे। इसके बाद आप चेक करेंगे पावर आईसी, और पावर आईसी से एक सिग्नल भी जाता है पावर ऑन रीसेट। एक रीसेट सिग्नल पहुंचता है कहां पे, आपके सीपीयू पे। और इसके बीच में एक टीपी भी रहता है, बहुत बार देखा जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं टी टच पॉइंट, और इस पर 1.8 वोल्टेज अगर आ रहा है तो ये आपके आप समझ जाइएगा ये पी पावर ऑन रीसेट 1.8 वोल्टेज अगर आ रहा है इस पर तो आप समझ जाओ पावर आईसी आपकी ओके है 1.। फिर क्या करता है सीपीयू इस पर पावर आईसी को क्या भेजता है पी एस होल्ड का एक सिग्नल, पी एस होल्ड करके एक सिग्नल जो है वो भेजता है किस पे के पास पावर आईसी के पास, और इसका भी एक टीपी रहता है या कुछ कंपोनेंट रहते हैं, तो इस पे भी 1.8 आपको सप्लाई मिलती है। तो अगर 1.8 अगर यहाँ पर भी मिल रहा है यहाँ पर भी मिल रही तो यानी कि आपका सीपीयू भी, अगर पावर ऑन रीसेट के टीपी पे अगर 1.8 मिल रहा है तो यानी कि पावर आईसी सही है। अगर पी एस होल्ड की लाइन पे अगर आपका टीपी पे 1.8 बोल रहा है तो यानी कि आपका सीपीयू जो है जो मास्टर है वो भी आपका ओके। तो पावर आईसी चेक करेंगे। इसके बाद क्या होता है वीसीओ कंट्रोलर, यानी कि जो फोन के अंदर आपका लगा होता है क्रिस्टल लगा होता है वो क्या करता है सिग्नल से यानी फ्रिक्वेंसी को जनरेट ही नहीं कर पाता है। तो उस कंडीशन पे आपका बोर्ड क्या होता है ट्रिगर ही नहीं होता है। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि यार सर ये मतलब कि पावर तो सही है सब कुछ सही है, हम क्या करते हैं कि हम इसको इग्नोर कर देते हैं वीसीओ को, जो हमारा वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर है ये फ्रिक्वेंसी को जनरेट करता है। ये क्या करता है एक तरफ से एनालॉग की फ्रिक्वेंसी जाती है और अगर बीच में लगा है क्रिस्टल तो ये क्या करता है एक तरफ से डिजिटल की फ्रिक्वेंसी को जनरेट करता है। जब ये फ्रिक्वेंसी जनरेट ही नहीं होगी, ये एनालॉग है और ये डिजिटल और बीच में लगा आपका क्रिस्टल एक्स वाई बी से
प्रदर्शित करते हैं इसको, तो जब ये फ्रिक्वेंसी जनरेट ही नहीं होगी तो आपका फोन ऑन ही नहीं होगा। तो कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि ये नेटवर्क सेक्शन का पार्ट है, हम इसको टच नहीं करेंगे, तो ये भी आप लोग चेक करिएगा। ओके, इसके बाद नेटवर्क आईसी आपकी चाहे आरएफ आईसी हो गई हो, चाहे फिर आपकी डब्ल्यूटीआर हो, और अलग अलग फ़ोनों में अलग अलग नाम होते हैं, कोई हैगर आईसी बोलता, कोई फेम आईसी बोलता, अलग अलग फ़ोनों में बहुत सारी नेटवर्क आईसी लगी होती है। यानी कि नेटवर्क आईसी क्या करती है कि फ्रिक्वेंसी को क्या करती है, हाफ करने का काम करती है। यानी कि यहाँ से जो 26 मेगाहर्ट्ज़ की जो फ्रिक्वेंसी जो निकलती है उसको ये हाफ करती है 13 मेगाहर्ट्ज़ के फ्रिक्वेंसी में। इसलिए क्योंकि सीपीयू को जो है रन करने के लिए काम करती है, कंट्रोलिंग या इंटरफेस करने के लिए। तो इसके लिए ये नेटवर्क आईसी को भी आप चेक कर सकते हैं कि फ्रिक्वेंसी को हाफ कर रही नहीं। उसके लिए आपको डीएसओ चाहिए होता है, डीएसओ मेरे यहाँ पे ये रखा हुआ है, डीएसओ उससे चेक कर सकते हैं फ्रिक्वेंसी। इसके बाद आपका क्या काम है, सीपीयू को देखना कि भाई सीपीयू जो है पीएस होल्ड करके ये सिग्नल्स बना रहा है कि नहीं बना रहा है। ओके, और इसके बाद लास्ट में हम चेक करेंगे जो आपकी फ्लैश आईसी है, या उसको हम ईएमएमसी आईसी बोलते हैं, इमेंसी बोलते हैं, मेमोरी ऐसी बोलते हैं, डाटा ऐसी बोलते हैं। तो इस तरीके से एक डेड फोन को आप इस तरीके से चेक करेंगे, और किस तरीके से आपका फ़ोन ऑन होता है, एक बेसिक एक वर्बल चीज़ें यहाँ पे मैंने आपको बताई कि किस तरीके से फ़ोन आपका ऑन होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। थैंक यू। अब जो है डेड ना हो जाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर नेट, मैं पंकज कुशवाहा। तो इस वीडियो में हम आज आपको एक ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि हाल ही में परसों के दिन हमारे यहाँ पे ऐसा हुआ। तो प्रॉब्लम्स क्या थी कि हमने जो कंप्यूटर से किसी फ़ोन को अनलॉक करने के लिए हमने मोबाइल को लगाया, जब लगाया मैंने कहा मेरे स्टूडेंट ने, और लगाने के बाद वो डाटा केबल जैसे ही इस फ़ोन के अंदर इसमें लगाई, इस यहाँ से इसके अंदर क्या हुआ कि इसके बाद ये लैपटॉप ऑन ही नहीं हुआ। यानी कि मोबाइल तो ऐसे भी ऑन नहीं था, और उसने क्या किया डाटा केबल से इसके अंदर लगाया कंप्यूटर के अंदर, उसके लैपटॉप के अंदर, और लैपटॉप हमारा ये भी ऑन नहीं हुआ। तो अब इसका ऐसा क्यों होता है? तो कई बार ऐसे हमारे पास फ़ोन आते हैं जिनकी वजह से, जिनको कनेक्ट करने से क्या होता है, हमारा लैपटॉप ख़राब हो जाता है ना, कमाल की चीज़। तो वही मैंने बताया कि हम जब भी फ़ोन को कनेक्ट करते हैं तो दो तरीके होते हैं कनेक्ट करने के, तो वायर्ड होता है, एक वायरलेस होता है। तो हमें फ़ोन के अंदर अनलॉकिंग फ्लैशिंग आईएमआई के लिए फ़ोन को डाटा केबल से कनेक्ट करना पड़ता है। अब इस कंडीशन में कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास जो फ़ोन आता है वो डेड कंडीशन में होता है, और मुझे हम लोगों को ये नहीं पता होता है कि भाई इसमें प्रॉब्लम्स जो है सॉफ्टवेयर से है या फिर हार्डवेयर से है। तो कई बार हम क्या करते हैं, डायरेक्टली चेक कर लेते हैं पहले कि भाई इसमें सॉफ्टवेयर की दिक्कत तो नहीं है, कि ऑटो पोर्ट तो नहीं बना रहा है। तो डिवाइस मैनेजर पर हम लोग चेक करने के लिए फ़ोन को कनेक्ट कर देते हैं ताकि अगर पता चल जाए। कई बार फ़ोन क्या होता है फ्लैश मोड में जो है फंस जाता है और वो फ़ोन ऑन नहीं होता है। तो इससे हमें क्या है कि ये सब चीज़ें पता चल जाती हैं कि हम डिवाइस मैनेजर से जाके उसको चेक कर लेते हैं कि हाँ ये फ़ोन पोर्ट बना रहा है, यानी कि ये ऑटो पोर्ट पे है या फ्लैशिंग मोड पे है, अभी अटका हुआ है, हमको फ्लैशिंग करना पड़ेगा। तो इस तरीके से अब ये होता क्या है कि किस वजह से ये लैपटॉप जो है आपका डैमेज होता है, उसको समझ लेते हैं। उसको समझने के लिए पहले हम आप चलते हैं आगे कि भाई आपका जो लैपटॉप है उसको समझिए। पहले जो आपका जो लैपटॉप है आपका, और ये मैंने मोबाइल लिया और मोबाइल को हमने कनेक्ट कर दिया, किससे, डाटा केबल से, कोई दिक्कत नहीं। जो डाटा केबल से कनेक्ट करते हैं ये 5 वोल्ट की सप्लाई होती है, प्लस माइनस 5 वोल्ट की सप्लाई से फ़ोन आपका कनेक्ट होता है। अब समझिए पहले, जब ये फ़ोन का जो चार्जिंग जो जैक था, क्या था चार्जिंग जैक, हमने चेक नहीं किया इसका चार्जिंग जैक क्या था, शॉर्ट था। तो इसने क्या किया, जो 5 वोल्ट की सप्लाई थी उसको क्या कर दिया, प्लस माइनस, यानी कि 5 वोल्ट शॉर्ट हो गया। अब जब शॉर्ट हो गया 5 वोल्ट तो फ़ोन तो ऐसे भी उसमें प्रॉब्लम जैक शॉर्टिंग की थी। अब लैपटॉप के अंदर क्या होता है, तो लैपटॉप के अंदर क्या होता है, एक आईसी लगी होती है, किसी किसी में दो आईसी लगी होती हैं, इसको हम लोग बोलते हैं 3-5 वोल्ट आईसी या पावर आईसी कहते हैं। ये क्या काम करती है, ये 19 वोल्ट को जो चार्जर लगाते हैं लैपटॉप का, ये 19 वोल्ट को कन्वर्ट करने का काम करती है कि एक साइड से जो है यहाँ पे 3 वोल्ट की सप्लाई निकले और एक साइड से 5 वोल्ट की सप्लाई निकले। तो जो 5 वोल्ट की सप्लाई होती है ये अलग अलग जगह पर जाती है, जैसे कैमरा, USB, CPU, फैन लैपटॉप के अंदर, और जो 3 वोल्ट की होती है वो बहुत कोई जगह जाती है, ऑन ऑफ पे सप्लाई पहुंचती है, IO IC पे आपके, BIOS IC डेटा को इधर से उधर भेजने के लिए। तो ये सारे जो है 3 वोल्ट की सप्लाइयाँ जो है बनती हैं।
अब क्या किया, 5 वोल्ट आपके यूएसबी के लिए जो गई सप्लाई, उसने क्या किया, इस आईसी को आके क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। जब ये आईसी जब शॉर्ट हो गई तो 5 वोल्ट यहाँ से बनेगा ही नहीं, यानी कि 3 वोल्ट भी नहीं बनेगा, और उस कंडीशन में आपको ये इसकी जो पावर आईसी होती है लैपटॉप की, छोटी सी लगी होती है, ये हमें चेंज करनी पड़ती है। उस क्यों, क्योंकि 5 वोल्ट की सप्लाई आपने जो फ़ोन लगाया था, वो फ़ोन था आपका चार्जिंग जैक उसका शॉर्ट, और आपने फ़ोन लगा दिया। तो अब जब भी ध्यान रखिएगा कि जब भी आप फ़ोन कनेक्ट करें तो एक बार उसका चार्जिंग जैक ये चेक कर लें कि डेड फ़ोन है, इसका चार्जिंग जैक हम लैपटॉप में लगा तो रहे हैं ताकि हमारा लैपटॉप जो है डेड ना हो जाए। ओके, तो नया लैपटॉप था, नया लैपटॉप जो है स्टूडेंट का डेड हो गया, तो मैंने सोचा कि आप लोगों की एक हेल्प हो जाएगी इस चीज़ को करने से। तो ये 3-5 ऐसी किस तरीके से काम करती है हमने देखा। अब इसकी हम लोग सर्किट लेवल जो है देख लेते हैं कि इसको किस तरीके से डिज़ाइन किया, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें हम सर्किट से समझाएंगे, क्योंकि ये जो आईसी है 3-5, ये किसी किसी मदरबोर्ड में 5 वोल्ट के लिए अलग आईसी लगी होती है। एक सेकेंड, किसी किसी आईसी में 5 के लिए अलग आईसी लगी होती है, और जो 3.3 वोल्टेज है या 3 वोल्टेज है, इसके लिए आईसी अलग अलग होती है। तो कई सारे लैपटॉप के अंदर ये आईसी क्या होती है, सिंगल आईसी होती है, जो कि हमें सर्किट में ऑलरेडी पता चल जाती है। अब जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है वी इन, यानी कि वोल्ट इन कितना आएगा, 19 वोल्ट, यानी कि जब यहाँ पर 19 वोल्ट आएगा तो रजिस्टर से इस आईसी के अंदर ये वोल्टेज आ गया। अब ये आईसी क्या करती है, इसको 3 और 5 में कन्वर्ट करती है। तो देखो यहाँ से आउट करेगी एक रजिस्टर के थ्रू 5 वोल्ट सीपीयू, 5 वोल्ट के लिए सप्लाई आउट होगी, एक ये 5 वोल्ट के लिए सप्लाई बनी, और यहाँ पर एक ये 3 वोल्ट के लिए। ओके, तो अब क्या है, जैसे यहाँ पे 3 वोल्ट की सप्लाई बन गई यहाँ पे, और भी देखते हैं S5 ऑन 5 वोल्ट, ये 3.3 वोल्ट है। तो ये आईसी कह सकते हैं, इस आईसी का काम पूरा का है पावर मैनेजमेंट का, ताकि पूरे मदरबोर्ड में जब सप्लाइयाँ पहुँचेंगी 5 और 3, तो आपका लैपटॉप पूरी तरीके से वर्क होता है। और जब ये 5 वोल्ट जब ये शॉर्ट हो जाती है, जब ये शॉर्ट हो जाएगी, तो जब आईसी जब ये ख़राब हो जाती है, तो हमें ये पूरी लैपटॉप के अंदर आईसी चेंज करनी पड़ती है, या फिर कुछ लोग तो मदरबोर्ड ही चेंज करवा देते हैं पूरा का पूरा, कि भैया पूरा मदरबोर्ड ही ख़राब हो गया। तो भैया ऐसा नहीं है, 5-3 वाली जो आईसी होती है, 3-5 वोल्ट वाली, ये क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो अगर किसी भाई के लिए ऐसा समस्या कुछ आए कि लैपटॉप अगर कभी चार्जर लगाने पे, कभी डाटा केबल लगाने पे शॉर्ट हो जाता है, तो उसको आसानी से रिपेयर कर सकता है खुद भी, मार्केट में आईसी मिल जाती है। ओके, वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। और आप मेरे वीडियो कहाँ कहाँ से देखते हैं, मेरे वीडियो में क्या कमी है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं उसको और अच्छी तरीके से इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। क्या होता है, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर नेट, मैं पंकज कुशवाहा। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो मेरे सामने आप एक कंपोनेंट देख रहे हैं, आपका यहाँ पे 4 लेग्स का है, ये कौन सा कंपोनेंट है और ये काम क्या करता है, या फिर हम इसको जंपर लगा के सही कर सकते हैं, पूरी केस स्टडी इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर आप देखिएगा, थोड़ा और आप ऊपर दिखाइएगा, देखो ये बहुत सारे कंपोनेंट लगे रहते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए ये 1-2 कंपोनेंट और लगे हैं 4 लेग्स के। तो ये क्या काम करते हैं मदरबोर्ड में, क्यों लगे होते हैं, इनका काम क्या है, और जो नए मदरबोर्ड हैं आ रहे हैं उनमें ये किस तरीके से आप चेक करेंगे, और इनके ख़राब होने पर फ़ोन के अंदर जो आपका एंड्रॉयड फ़ोन है उसके अंदर क्या खराबी आती है, तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। ओके, और हाँ एक चीज़ और यहाँ पर हम आपको थोड़ा ऐड कर देते हैं कि जो मैंने 40, तो यहाँ पर हम एक चीज़ और ऐड कर रहे हैं, जो मैंने 40 आईडी गिव अवे की थी, लोगों को मैंने दे दी, बट उनके भी मैसेज आ रहे हैं, बट समस्या यहाँ पे ये है कि बहुत से ऐसे लोगों के पास आइडियाँ पहुँच गई हैं जिनको रजिस्टर करना ही नहीं आया। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको या कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे 40 आईडियाँ, तो एक करके आप लोग रजिस्टर कर लीजिए, जिसको मिल जाए उसी का फ़ायदा है, बस ऐसे चलते रहिएगा। और हम क्या बताएं, तो ये है हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेटर। क्या बोलते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर। ओके, और इसका जो नया नाम है इसको हम लोग बोलते हैं LDO। क्या है नया नाम, LDO, लो वोल्टेज ड्रॉप आउट। ओके, तो ये जो मदरबोर्ड में लगा होता है तो इसको हम लोग जंपर नहीं कर सकते। सबसे पहला बात यह कि हमको उसको जंपर से इसको हम लोग
नहीं निकाल के आप, जैसे आप लोग कई बार कॉइल लगी रहती थी ना, दो कॉइलें एक साथ लगी रहती थी अंदर से, तो आप उन लोग उनको क्या करते थे, पॉइंट बाहर रहते थे और उनको आप जो है डिस्प्ले डिस्प्ले जैक के बाद दोनों को निकाल के जंपर कर देते थे, चार पॉइंट हुआ करते थे। बट ये कॉइल नहीं है, ये है एलडीओ। अब एलडीओ क्या काम करता है उसको समझेंगे कि क्या काम करता है, और इसको इग्नोर करने की कोई मतलब जरूरत नहीं है, इसको पूरा आपको सीखना पड़ेगा क्योंकि यह मोबाइल के मदरबोर्ड में पार्ट लगा होता है। और जो लेटेस्ट आ रहे हैं उनके अंदर ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, जो बिल्कुल 5G वाले फ़ोन आ रहे हैं उसके अंदर ये नहीं है, तो ये आखिर गए कहाँ पे, ये काम क्या करते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। जैसे तो ये जो पावर आईसी है, तो पावर आईसी का काम क्या होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं पावर आईसी। तो पावर आईसी का काम क्या होता है, इसको UEMIC भी बोलते हैं, यूनिवर्सल एनर्जी मैनेजर। पावर आईसी का काम है पावर को मैनेजमेंट करना कि भाई कौन से सेक्शन को कब पावर और कितने टाइम पे चाहिए। जैसे मान लीजिए माइक को पावर चाहिए तो इसको 1.8 वोल्ट की सप्लाई चाहिए, जबकि इसके पास तो VPH की लाइन आई है ना, VPH की है 3.7 से लेके 4.2 वोल्ट की, तो इसके पास तो इतना वोल्टेज है, लेकिन ये इसको माइक को कब चाहिए, जब माइक एक्टिवेट होता है। रिसीवर की सप्लाई है, रिसीवर को कब चाहिए, स्पीकर को कब चाहिए, वाइब्रेटर को कब चाहिए, और सबके अलग अलग वोल्ट है, 1.8 वोल्ट से लेके 2.8 वोल्ट 1.8 से, मतलब अलग अलग वोल्टेज हैं। या मान लीजिए हमको RFIC को कुछ वोल्टेज चाहिए तो उसके लिए क्या चाहिए, CPU को कुछ वोल्टेज चाहिए CPU को, या EMMC को वोल्टेज चाहिए EMMC IC को, मतलब कि 2.8 वोल्टेज 1.8 वोल्टेज, मतलब कि सबको अलग अलग वोल्टेज की सप्लाइयाँ चाहिए होती हैं। तो ये पावर आईसी क्या करती है, इन सभी को क्या करती है, वोल्टेज देती है कम करके, मैनेज करके। लेकिन तो क्या करती है कि आईसी तो ये काम करती करती है, बट ये जो आपने अभी जस्ट देखे ये LDOs, ये भी हर सेक्शन में कई बार आपको देखने को मिल जाते हैं, डिस्प्ले में है, जैक में है, इनका भी काम क्या है, वोल्टेज को कम करने का। ठीक, जितनी जिसकी रिक्वायरमेंट उतनी ही उसको वोल्टेज देना। तो किस तरीके से कुछ काम करता है उसको हम लोग देख लेते हैं। अब जैसे इसकी फोर पिनें हैं, तो फोर पिनों में एक पिन हो उसकी होगी इनपुट की VIN, इतना भी वोल्टेज है 3.7 वोल्टेज। इसके बाद एक पॉइंट इसका क्या होगा, चार पिन का है, ग्राउंड होगा, और एक पिन पे इस पे आएगा EN सिग्नल, EN 1.8 वोल्ट की सप्लाई, इनेबल सिग्नल, और एक पॉइंट से यहाँ से आउट होगी सप्लाई इसकी आउटपुट, जितनी भी सप्लाई। ये डिपेंड करता है कि आगे किस डिवाइस को ये सप्लाई दे रहा है, 2.8 हो सकती है, 1.8 हो सकती है, जो भी सप्लाइयाँ यहाँ पे जिस सेक्शन को देनी है, तो जिस सेक्शन में ये लगा है डिपेंड करता है उस पर। तो इसमें आप ये समझिए कि डायरेक्टली आप इसको वोल्टेज नहीं दे सकते ना, आउटपुट नहीं दे सकते। अब इसके अंदर आईसी के अंदर क्या होता है कि कई बार यहाँ पर रजिस्टर वगैरह लगे रहते हैं अंदर से, मतलब सर्किट के, और इसी में जिनर डायोड वगैरह लगे रहते हैं जो कि सप्लाई जो ग्राउंड रहते हैं, प्लस की सप्लाई यहाँ पे, ये ऐसे मतलब कि रजिस्टर है, जिनर डायोड है, ये वोल्टेज को कम और फिक्स करके आउट निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक इनेबल सिग्नल दिया जाता है कि जो कि CPU या पावर आईसी से कंट्रोल होता है सिग्नल्स। या कई बार ऐसा है, अगर वोल्टेज अगर इसको फ्लक्चुएट बराबर जो वोल्टेज दिया जाता है, तो इसमें क्या है कि ये 3.7, तो इसमें क्या है, रजिस्टर वगैरह लगा दिए जाते हैं, रजिस्टर ग्राउंड कर दिया आर, और इसमें एक रजिस्टर ग्राउंड कर दिया जाता है जो कि डिवाइडर सर्किट का काम करता है, R1 R2। तो ये इस तरीके की इसकी सर्किटें आती हैं पहले कुछ फ़ोनों में। तो अब इस समय LDO जो है आ रहे हैं, अब जो बिल्कुल लेटेस्ट फ़ोन है उनके अंदर LDO ये 4 लैक्स का लग के नहीं आता है। वो क्या होता है, ये पावर आईसी में ही इन्वेल्ड हो गया। किस में इन्वेल्ड हो गया, पावर आईसी के अंदर हो गया जाके। तो अब कैसे इनबिल्ट हो गया वो भी हम थोड़ा देखते हैं। जस्ट देखिए यहाँ पर जब हम लोग ट्रेसिंग करते हैं तो ट्रेसिंग में एक लाइन आती है VREG, वोल्टेज रेगुलेटर L1, L2, L3, VREG, वोल्टेज रेगुलेटर, ये L7। तो ये देखिए ध्यान से, यहाँ पर 23 तक, 22 और 23, 23 यानी कि अब ये 23 LDO जो है ये पावर आईसी में ही इनबिल्ट कर दिए गए हैं, समझिए, अलग अलग वोल्टेज को बनाने के लिए। अब अलग अलग वोल्टेज क्यों, कि अलग अलग डिवाइस है, जैसे कैमरा है, जो भी है, अलग अलग। जैसे यहाँ पे RFIC है तो वहाँ पे लिखा है वन, यहाँ पे लिखा है VREG L1 यानी कि LDO1, और इसकी सप्लाई कितनी है 1.0,
यानी कि 1 वोल्ट RF IC के लिए 1.0 वोल्ट की सप्लाई चाहिए। इसके बाद LPDDR 1.2 वोल्ट, इसके बाद VDD Max 1.225 वोल्ट, RF IC एंड GPS 1.8, L5 डिफॉल्ट पूरे मदरबोर्ड में पहुंचता है, EMMC IC 2.9 वोल्टेज, WCN 3.3 वोल्ट, सेंसर 2.8, ये जो है। और यहाँ पे लिखा है L13, तो यानी कि L13 का मतलब यहाँ पे LDO जो है वो कौन 13 काम कर रहा है। तो कहने का मतलब ये जितने भी LDOs हैं उनको सबको क्या कर दिया गया, अब पावर IC के अंदर ही इंक्लूड कर दिया गया, इनबिल्ट कर दिया। पहले के मदरबोर्डों में और अभी मार्केट में है तो जो मदरबोर्डों में इस तरीके से आपको देखने को मिलते थे इस तरीके से, और अब क्या है, अब सब इसी के अंदर। क्योंकि आप समझिए इस पावर IC के पास अगर 23 LDO और लगा दिए जाएंगे तो बोर्ड हमारा बड़ा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, सर्किट भी बड़ी होगी जाके। तो इस चीज़ को अब कंट्रोलिंग करती है आपकी पावर IC। अगर आप ट्रेसिंग करते हैं तो VREG L1 L2 L3 इस तरह की सप्लाइयाँ आपने देखी होंगी, तो वो अब चीज़ें कहाँ से आती हैं, LDO से। तो अब ये ध्यान रखिएगा कि इसको जंपर नहीं लगाना है, नॉट जंपर भाई, इसको जंपर से नहीं बना सकते कि आपने ऐसे जोड़ दिया ऐसे जोड़ दिया। ये कमेंट में भी क्वेश्चन आया था और एक मेरे स्टूडेंट्स ने भी मुझसे पूछा, तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे वीडियो काहे नहीं बनाया जाए, क्योंकि कई लोग इसको निकाल के जंपर करने का सोल्यूशन सोचते हैं। तो इसको जो है जंपर आप नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, इसको जंपर करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये और बहुत से मदरबोर्ड में ये आपका लगा रहता है, आप देखेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसमें जहाँ पर इसका पॉइंट दिया गया है, यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, ये वी इन है, वोल्ट इन हो रहा है, ये नंबर ग्राउंड है, चेक कर लीजिए मल्टीमीटर से, ये वाली आउट पिन है और ये वाली इनेबल सिग्नल है 1.8 वोल्टेज EN, यानी इनेबल है। इस तरीके से आप इसको चेक करेंगे, तो ये है इसकी टेस्टिंग इनपुट आउटपुट वोल्टेज, इनपुट इनपुट वोल्टेज आ रहा है, आउटपुट नहीं हो रहा है, तो आप इनेबल पे चेक करेंगे कि इनेबल पे अगर 1.8 आ रहा है फिर भी नहीं आउट हो रहा है, यानी कि ये LDO आपका खराब है, आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो कैसा लगा वीडियो, और आप मेरी वीडियो कहाँ से देखते हैं, किस शहर से देखते हैं, अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर मैं बता सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी है लाइक करिएगा, और मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। थैंक यू।